दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे दिल्ली और आंध्र प्रदेश के मैच के बीच, जहां गौतम गंभीर ने शानदार शतक जड़कर अपने करियर के आखिरी मैच में शानदार बना दिया, तो वही अन्य खिलाड़ियों ने भी इन्हें आउट ऑफ गाना दिया। मैच के दौरान गौतम गंभीर को लेकर उनके फैंस की दीवानगी भी देखने को मिली, जहाँ उनके कई फैंस भावुक हुए और उनके हाथ से केक कटवा, वही दूसरे फैन एक सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर स्टेडियम के अंदर घुस गया, गंभीर के पाँव छूने लगा, उनके साथ सेल्फी ली। लेकिन इस मैच के दौरान सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ा और उसके पास जो हुआ जानने के लायक है। चलिए हम आपको बताते हैं। गौतम गंभीर के साथ सेल्फी लेने आए फैन के पीछे डंडा लेकर आया गार्ड। गौतम गंभीर के बल्लेबाजी के समय उनके फैंस की दीवानगी मैच के दौरान दिखने को मिली। शतक बनाने के बाद गंभीर जब नॉन स्ट्राइकर रिंग पर खड़े थे, तब उनका फैन अचानक सिक्योरिटी की परवाह किए बगैर स्टेडियम में घुसते हुए पिच तक पहुंचा। इस दौरान उसने गंभीर के पाँव छुए और उनके साथ सेल्फी भी ली। ये सब होता एक सिक्योरिटी गार्ड ने एकाएक फैन के पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ा और ऐसा लगा मानो अब तो फैन की खैर नहीं। वह तो सिक्योरिटी गार्ड ने अपने तो फैन को डंडा दिखाकर उसे रोकना, बाद में उसे पकड़ कर मैदान से बाहर किया। गंभीर के फेयरवेल मैच के दौरान भावुक हुए फैंस ने गौतम गंभीर से कटवाया केक की शुभकामनाएं। PM News 24 की रिपोर्ट।